हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्पेस एक्स और नासा का यह ज्वाइंट मिशन था जो कि स्पेस में अंतरिक्ष यात्री को भेजना था और वहां से वापस लाना भी था। तो यह ज्वाइंट मिशन था स्पेस एक्स और नासा का। यहां पर आपको जो 4 एस्ट्रोनॉट दिख रहा है, ये चारों अंतरिक्ष यात्री नवंबर महीने में 2020 में यह सभी स्पेस भेजा गया था स्पेस एक्स और नासा के थ्रू। और यह 2 मई 2021 को ये फिर वापस आ गए हैं पृथ्वी पर। तो इन सभी को बधाई, क्योंकि ये लोग सफल, इन लोगों का जर्नी रहा। तो हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल से। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, एजुकेशन ट्यूब बाय प्रजापति कुमार। तो चलिए देखते हैं क्रू ड्रैगन कैप्सूल के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोनॉट के लिए। बिना इसके आप अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में नहीं भेज सकते हैं। तो जानेंगे ये डिजाइन कैसे किया जाता है और इसके फंक्शन कैसे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे होंगे, लिखा हुआ है क्रू ड्रैगन कैप्सूल। और उसमें आप देखेंगे कि इसकी लंबाई जो है 9 मीटर है, यहाँ पे 0 से लेकर के यह 9 मीटर तक है। अलग अलग क्रू ड्रैगन कैप्सूल की लंबाई अलग अलग हो सकता है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 9 मीटर ही हो, वेरी करेगा। यहाँ पर देखा है तो ये डिजाइन लेकिन एक जैसा ही लगभग होता है। जितना भी क्रू ड्रैगन कैप्सूल होता है सभी का डिजाइन ऊपर में इस तरह से ही होगा। देखा है तो इस सेक्शन को नोज कहा जाता है। और यहाँ पर इसमें इंजन लगे होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें इंजन लगा हुआ है, इधर भी इंजन लगा हुआ है। और इसके अंदर ही स्पेस, ये जो है ड्रैगन कैप्सूल, इसके अंदर ही, यहाँ अंदर में क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री को एडजस्ट किया जाता है, बैठाया जाता है। इसमें बैठने के लिए जगह होता है, इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैठा हुआ है ना। तो इसमें, इस कैप्सूल ड्रैगन में अंतरिक्ष यात्री बैठता है। और उसके बाद देखा तो इसमें यह एक तरह से इंजन भी है और इसमें बैठने का एक जगह भी होता है, जिसके थ्रू हम उसको, इस अंतरिक्ष यात्री को इसमें बिठा करके स्पेस में भेज सकते हैं। और उसके नीचे ये जो देखा जाए तो ये ट्रंक जो है, यह एक तरह से सोलर पैनल होता है, यानी कि सूर्य से हमें ऊर्जा चाहिए ना अंतरिक्ष में, तो ये हमें सोलर पैनल खुल जाती है स्पेस में जाने के बाद, इससे इसको एनर्जी मिलता है। तो इस तरह से इसका डिजाइन किया जाता है। और इसका डिजाइन इतना अच्छा से किया जाता है ताकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी यह मेल्ट नहीं होगा। और इसका काम होता है स्पेस में अंतरिक्ष यात्री को ले जाना, बैठा करके फिर पुनः वापस लेकर भी आना, इस कैप्सूल का काम होता है। और यहाँ इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पर जब रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट के ऊपर वाला सबसे जो पेलोड होता है, टॉप पेलोड, उसका यह पोर्शन होता है। नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पे रॉकेट के थ्रू जब इसको लॉन्च करता है पृथ्वी से तो अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो यहाँ पर इसको सेट किया जाता है। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है वहां होता है क्रियो ड्रैगन कैप्सूल। तो इसमें बैठ करके अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और पुनः इसी से बैठ करके वापस आते हैं। तो जाने में बहुत ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रॉकेट बनाना पड़ता है, बूस्टर, लेकिन आने में इसको उतनी खर्च नहीं होती, क्योंकि आने में पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण के सिर्फ इन्फ्लुएंस में आने से क्या होता है, कैप्सूल को गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींच लेता है, पृथ्वी अपनी सेंटर की तरफ, तो यह पृथ्वी की सतह पर आने में इसको आसानी होती है। लेकिन इसमें बहुत सारा खतरा होता है कि अगर अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो जाए तो, या फिर एस्ट्रोनॉट की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि 2003 में जो कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी उस कहीं ना कहीं इस कैप्सूल में गड़बड़ी होने की वजह से हुआ था। तो यह कैप्सूल जो है बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया जाता है। तो रिटर्न होने में बहुत सारी डिफिकल्टी होती है, और लेकिन लौटना आसान इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का इसको अपनी ओर खींचता है। और जैसे ही यह मॉड्यूल गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आता है, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कांटेक्ट में आता है, तो यह पृथ्वी की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो आपने वीडियो में देख लिया ही होगा। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल शूट बैक फ्रॉम आउटर स्पेस संडे मॉर्निंग एंड मेड पैराशूट लैंडिंग इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, रिटर्निंग 4 एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, यह रिटर्न हो करके कहाँ पे लैंड किए हैं, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में,
वहां पर इसने लैंड किया। और नीचे देखा है तो आफ्टर नॉकिंग फ्रॉम द स्पेस स्टेशन 8:35 PM EDT जो है यह अमेरिकन का स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड ईस्ट डे लाइट टाइम जोन है, तो अमेरिका की टाइम के अनुसार 8:35 PM पर वहां से स्पेस स्टेशन से जो है कैप्सूल रवाना होता है। और दिन था कितना, सैटरडे को। और यह एस्ट्रोनॉट के साथ ही क्या होता है, ट्रेवल करता है किसमें, एटमॉस्फेयर में, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसके बाद यह जो है लैंड करता है कहाँ पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, अपने पल नहीं पड़ा, नियर पनामा सिटी फ्लोरिडा। उसके बाद पैराशूट के थ्रू लैंड करता है और टाइम होता है लैंडिंग का 2:57 AM और ईस्टर्न डे टाइम जोन यानी अमेरिका के टाइम जोन के अनुसार। और दिन संडे को यह लैंड करता है जबकि 8:35 पे PM पे चलता है सैटरडे को और लैंड करता है 2:57 AM संडे को। तो यहाँ पर आपने देखा कि यह जो है रवाना होने का टाइम प्लस वापस आने का टाइम संडे का था। स्पेस एक्स क्रू वन मिशन स्प्लैशेस डाउन विद 4 एस्ट्रोनॉट्स आफ्टर रिकॉर्ड मिशन फॉर नासा। द एस्ट्रोनॉट ऑफ नासा एंड स्पेस एक्स क्रू वन मिशन स्पेंड मोर देन 5 मंथ 5 महीने से अधिक स्पेंड किए समय इन्होंने नासा और स्पेस एक्स के क्रू वन ने। और उसके बाद क्रू वन मिशन द लॉन्गेस्ट एवर ड्यूरेशन फॉर ए क्रू लॉन्च इन अमेरिकन बिल्ट स्पेस क्राफ्ट। यह अमेरिकन बिल्ट स्पेस क्राफ्ट था, 5 महीने से अधिक समय उन्होंने स्पेस में स्पेंड किया, यह अच्छा खासा ड्यूरेशन था। उसके बाद देखा है तो यहाँ पर 4 एस्ट्रोनॉट थे जिनके नाम है, जो कि 3 जो है अमेरिकन है और 1 जो है जापानीज के हैं। तो शैनन वॉकर जो है ये भी अमेरिकन है, माइक हॉपकिंस है ये भी अमेरिकन है, विक्टर गोलर ये अमेरिकन है, और एक स्पेस एस्ट्रोनॉट जो है ये सोची नागोची जो कि जापान से है। इन्होंने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया था ड्रैगन कैप्सूल के थ्रू लास्ट नवंबर यानी कि 2020 में इन्होंने गया था और लौट के आ गया 2 मई 2021 को। आई होप यह वीडियो आप लोगों को कुछ पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हम इस तरह की वीडियो लेकर के आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।